यूके स्टडी वीज़ा की गल कर जा रहे हैं। सो कई सवाल यह होंगे ना कि भी हूँ स्पाउस वीज़ा तो लगता ही नहीं है, पर नैविगेटर्स ओवरसीज़ वालों स्पाउस वीज़ा उपर भी काम किया जाता है, पर वो केड़ी प्रोफाइल्स है उसके बारे भी आप गल जरूर करांगे। नाल दी नाल एक सवाल हुणे भी बनया होया है कि हुण यूके दे विच इलैक्शनस ने, कि इलैक्शनस तो बाद कोई रूल चेंज हो सकते हैं, लीनियट हो सकता है या होर स्ट्रिक्ट हो सकता है, की असर पै सकता है, इसनों भी थोड़ा समझने की जरूर कोशिश करांगे। सो यूके स्टडी वीज़ा लिए जिन्होंने अप्लाई करना है, कमिंग इनटेक की आप गल जरूर कर है कि मैं तुसी जल्दी तो जल्दी अप्लाई करो ताकि चंगी ऑप्शन का तुसी फायदा जरूर ले सको। स्वागत है जी सारे का, मैं हाँ हरजोत कौर। डिटेल विच पूरी इन्फॉर्मेशन थोड़े नाल सांझी करनगे नैविगेटर्स ओवरसीज तो वीजा एक्सपर्ट मिसिज वीना गोयल मैम साढ़े नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है मैम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, नमस्कार सारे। सो नैविगेटर्स ओवरसीज जो कि तकरीबन 28 साल का एक्सपीरियंस ढेर सारी प्रोफाइल से काम कर चुके हैं, ढेर सारी कंट्रीज विच डील करते हैं, स्टडी वीज़ा ही नहीं टूरिस्ट वीज़ा विच भी जो है खास महारत हासिल है कंपनी नू और वीना गोयल मैम नू। सो मैम अज आप जो यूके स्टडी वीज़ा की गल करते हैं, स्पाउस वीज़ा लैके बहुत सारे सवाल बने रहते हैं, पर तुहाडी कंपनी वालों तुहाडे वालों हुण भी स्पाउस वीज़ा दवाया जाता है। सो मैं वो प्रोफाइल से गल करना चाहूँगी, उस कैटेगरी बारे गल करना चाहूँगी की रिक्वायरमेंट्स होंगे और आप दूजा पॉइंट जो मैं शुरुआत में गल करके हटी हाँ कि यूके जन इलैक्शन होनी ने कि इसका प्रभाव कोई पै सकता है स्टडी वीज़ा की गाइडलाइनस को लैके भी कुछ रूल्स चंगे या माड़े की लगता है, कोई असर इन्हों भी पै सकता आते समय में। हरजोत एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुम कि हूँ इलैक्शन एकदम तो डिकलेयर हो गए हैं, जोड़ा कि किसी को उम्मीद नहीं सी, अजे टाइम सेगा बट वो अचानक डिकलेयर हो गया। देखो वीज़ा दे उपर जेड़ा है ना, ये पहले सिगा पोस्ट स्टडी वर्क परमिट शायद बंद करन जा रहे सिगे या कट करन जा रहे सिगे, लेकिन हजे बिकॉज ऑफ इलेक्शन इन्होंने वो चीज़ नू पोस्टपोन करता है। तो स्टूडेंट इस चीज़ का हुण बेनीफिट उठा सकते हैं क्योंकि यूके दे विच जेड़ा है हजे जेड़ा पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कंटिन्यू है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट कुछ सालों तक देती है, क्यों 5 सालों तो मैं लगता है वीज़ा दे रहे हैं, हुण ये भी किसी मोड़ पर आके बंद करनगे। तो बैटर है कि जेडे बच्चे हजे मतलब यूके जिन्हां दी फस्ट प्रेफरेंस है वो बिल्कुल हजे अप्लाई कर सकते, क्योंकि सब तो सौखा वीज़ा 28 डेज ओल्ड फंड शो करने, 1 मंथ ओल्ड अकाउंट होना चाहिए, ना कोई इनकम टैक्स रिटर्न मंगते, ना कुछ 6 महीने की फीस भरो, या साल दे डिपेंड करता यूनिवर्सिटी दे, ईवन 4000 पाउंड ते भी कैश दे देंदे या कुछ यूनिवर्सिटियां तो तुसीं वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। इत्थे आई विल टॉक फॉर क्वालिटी स्टूडेंट्स एंड एवरेज स्टूडेंट्स है ना, दो बच्चों वास्ते मैं पहले गल करती हूँ, दैन वी विल टॉक फॉर रिमेनिंग स्टूडेंट। हूँ जेडे बच्चे पढ़न च बहुत माहिर है, बहुत अच्छे है, यूके दी जेड़ी तुहानू मैं पिछे डाटा दस्या सीगा, डाटा दे विच मेरे ख्याल ये सीगा कि 10 लाख जेड़ा सीगा बच्चों ने US अप्लाई किया सीगा। सैकेंड मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर स्टूडेंट्स इज 551,495 यूके दी सी, तो यूके जेड़ा सैकेंड प्रैफर डेस्टिनेशन रहा स्टडी वाइज, बिकॉज यूके दे विच जेड़ी है मास्टर्स एक तो 1 ईयर दी है और क्वालिटी एजुकेशन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां मैक्सिमम, तुसी ये देखो कि इन्ना अच्छा क्वालिटी एजुकेशन इन्होंने दिता है कि हर बच्चा जेड़ा जिन्हें पढ़न वास्ते जाना वो यूके प्रैफर करेगा। जिन्हों है कि मेरी मास्टर्स हो जाए ग्रेजुएशन करन दे बाद स्पेसिफिक सब्जेक्ट दे विच होए वो यूके प्रैफर करेंगे। ईवन मैनू भी है कि जो बच्चा 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, 1 ईयर की तुहाडी मास्टर्स है, 3 ईयरस का तुसी वीज़ा लेंदे हो, 3 ईयरस च तुसी जिहड़ा 1 ईयर जिहड़ा लगाया यू डू हैव लॉट ऑफ ऑप्शनस। 1 इज़ कि जिन्हां दे पेरेंट्स अच्छे है इकनोमिकली दे कैन गो फॉर हाई एंड यूनिवर्सिटी, जिन्हां दी फीस जिहड़ी 22-25,000 पाउंड भी है, 24-25 लाख। जब मैं किसी होर कंट्री का करा तो 2 साल की मास्टर्स का उन्होंने कोई 40-45 लाख का खर्चा होता है, और जो एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी तो अपन 24-25 लाख मास्टर मिल रही है, जिहड़ी कि वर्ल्ड वाइड उन्हों की जिहड़ी रैंकिंग है जिहड़ी मेरे ख्याल 8-10-15 है, तो यू कैन गो फॉर दैट। जो तुहानू है कि नहीं मेरा इन्ना बड़ा बजट नहीं है बट आई वॉन्ट टू टेक ए एक्सपीरियंस, मैं एक्सपीरियंस लैना, एक्सपोजर भी लैना और मैं यूके जाना, दैन यू कैन गो फॉर थोड़ा जहा इकनोमिकल यूनिवर्सिटीज़ जिन्हों की फीस शुरू हो जाती है 11,000 तो लैके 10,000, ईवन 10,000 की भी है यूनिवर्सिटी है, एंड दीज आर क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़। आप कोई 2 कमरे वाली यूनिवर्सिटियाँ की गल नहीं कर रहे, जिहड़ी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है 300-400 एकड़ के जिन्हों के कैंपस है,
10-11 हज़ार पाउंड तो शुरू होकर 17,000-18,000 पाउंड तक है, जिदा यूनिवर्सिटी ऑफ वैसट इंग्लैंड हो गई, रिजम ग्लैंडर हो गई, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिन्हों की फीस और जिन्हों के स्कॉलरशिप भी लगती है। इन काफ़ी सारे बोर्ड्स के बच्चों पंजाब और हरियाणा छड़ के ईवन स्टेट बोर्ड तो भी जो बच्चे ने इंग्लिश के जिन्हों की परसेंटेज प्लस टू के 70-80% है खाली इंग्लिश, तो आइल्स वेवर मिल जाता है। ये नहीं कि बच्चा आइल्स तो डर रहा, कई बार बच्चा कहता है कि इन्ना टाइम है, महीना डेढ़ महीना लगाना है, और जो कंट्री कहती इंग्लिश मीडियम स्कूल CBSE स्कूल तो पढ़ के आ रहे हो या अच्छे बोर्ड तो पढ़ के आ रहे हो तो वी ट्रस्ट यू, योर इंग्लिश इज़ गुड, तो तुम विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश के उपर। दो रेफरेंस लैटर चाहिए और बच्चे का ऑफर लैटर आ जाता है। हूँ अब तुम क्वेश्चन पूछा सगा मैनू मास्टर्स के वास्ते स्पाउस वास्ते, जेडे स्टूडेंट्स मैडिकल बैकग्राउंड तो है या कोई भी फील्ड तो है बट स्पोर्ट्स अकैडमी 2-4-5 साल का एक्सपीरियंस है, वो बच्चे मास्टर बाई रिसर्च जा सकते हैं। आइल्स चाहिए है, MOI तो नहीं होएगा उन्हों का, 6 बैंड सन ओवरऑल चाहिए या 6.5 बैंड डिपेंड करता है, बट वो बच्चे जोड़े है विद स्पाउस जा सकते हैं। हूँ तुम देखो वर्ल्ड की एक जिन्हों कहना चाहिए कि एजुकेशन च बेस्ट कंट्री, उदे विच जो बच्चा या तो 3 ईयर की बैचुलर करेगा, मास्टर करन जा रहा तो 1 ईयर की मास्टर, 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, जो पर्टिकुलर हेल्थ से रिलेटिड कोर्स किए हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटिड किए हैं, तो उस स्पाउस नू भी नाल लैके जा सकता है। आइल्स जो स्टूडेंट ने करनी है जो एलिजिबिलिटी पूरी नहीं हो रही स्टेट बोर्ड पंजाब या हरियाणा का, उन्हें आइल्स करनी पैंती है। कुछ यूनिवर्सिटियाँ उन्होंने भी वेवर देंदी है बट उन्होंने जोड़ा हर सब्जेक्ट 60% होना चाहिए, इंग्लिश 70% होना चाहिए, फिर उन्होंने भी वेवर मिल जाती है। मतलब बहुत सारिया ऑप्शन है, डिफरेंट ऑप्शन है, हर बच्चे वास्ते ऑप्शन है UK दे विच, बट जब तुहाडा मोटिव पढ़न वाला है और पढ़ के लाइफ च एक्सपोजर लेना है तो इस तो वधिया तुहाडे कोल कंट्री कोई भी नहीं होगी। जी बिल्कुल, यानी कि अगर तुहाडी देखो जेन्युइन प्रोफाइल है तो तुहानू ऑप्शन की बिल्कुल भी कमी नहीं है, ढेर सारी ऑप्शन जो है तुहाडी वेट जरूर कर रही ने। सो मास्टर्स दे विच जो है स्पाउस वीज़ा नाल भी अप्लाई किया जा सकता है, तो जरूर तुसी गाइडेंस एक अच्छे कंसल्टेंट तो लेनी है ताकि तुहाडी प्रोफाइल से सही ढंग नाल काम किया जा सके। सो मैम ने जिवें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी कीती है, तुहाडे मन में कोई सवाल हो जरूर तुसी जिहड़ा नंबर डिस्प्ले है इस उपर कॉल करो, पूरी जानकारी लो ताकि कमिंग इनटेक दे विच तुसी भी राइट प्रोसैस के नाल अप्लाई कर सको। बहुत चंगा होएगा जेकर तुसी नैविगेटर्स ओवरसीज़ के ऑफिस विजिट कर दो, अपने डॉक्यूमेंट्स के नाल असैसमेंट करवाओ अपने डॉक्यूमेंट्स की, और 28 साल के मैम के तजर्बे का तुसी फायदा लै सकते हो इन्हों तो गाइडेंस के नाल कि असी किवें अप्लाई करिए, कितने अप्लाई करिए, साडे लई कि बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, तो तुसी अपने भविख के लिए एक सही डिसीजन जरूर लै सकते हो। और जरूर एंड दे विच मैं भी दसना चाहूँगी जेडे आयल्स और PTE की फ्री कोचिंग भी नैविगेटर्स ओवरसीज़ वालों दी जाती है, जेडे स्टूडेंट्स इन्हों तो अपलाई करवा ने अपनी फाइल, सो एदा भी तुसी फायदा जरूर ले सकते हो। ते बाकी नंबर डिस्प्ले है इस उपर कॉल करो, कमेंट सैक्शन विच भी तुसी अपने सवाल साडे नाल जरूर सांझे कर सकते हो। बहुत बहुत थैंक्स मैम, पूरी इन्फॉर्मेशन तुसी स्टूडेंट्स नाल सांझी कीती है, समय समय से इन्हां वीडियोज़ के जरिए तुसी स्टूडेंट्स नूं बहुत चंगे ढंग नाल गाइड भी करते रहते हो। इसे तरह नाल असीं स्टूडेंट्स लई अगों भी होर इनफॉर्मेटिव वीडियोज़ लैके आते रहेंगे। फिलहाल ही दिओ जी इजाजत, थैंक यू सो मच। थैंक यू।